चलिए अब आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो टोक्यो में मौजूद है, आज भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी करीबन 7:30 बजे, यानी जापान के समय अनुसार करीबन 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करना था। ये आप देखें तस्वीरें, हम आपको सीधे टोक्यो से दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और खास तौर पर लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धता साफ नजर आती है। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, दोनों तरफ अगर आप देखें कि आपको कैमरा की यानी मोबाइल फ़ोन के कैमराज ऑन नज़र आ जाएंगे, लगातार लोग उनकी तस्वीरें खींचते हुए, उनकी वीडियो बनाते हुए, और ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सबको संबोधित करेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये एक मूल मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इसी तरीके से इन चीज़ों को, इन बातों को सबके सामने रखते हैं, ताकि दुनिया के अंदर किस तरीके से एक आपसी भाईचारे का, आपसी प्रगतिशील का माहौल बन सके, इसका संदेश दिया जाता है। एक दूसरे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए, ये भी वो बताने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखें कि दो दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें वो कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स करेंगे, कई बायलेटरल्स करेंगे कल, लेकिन उससे पहले आज भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे हैं जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी। सीधे लाइव तस्वीरें हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है जापान के टोक्यो से प्रधानमंत्री मोदी की, लोगों के बीच में आते, और एक तस्वीर ये भी कि आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो उनका स्वागत किस तरीके से किया गया था भारतीय समुदाय द्वारा। ये भी एक दिलचस्प बात है कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय मूल के लोग लगातार उनके स्वागत में थे, कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, एक बच्चे से ही बातचीत की जो एक बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की। और आज ये तस्वीर अगर आप देखें करीबन जापान के समय अनुसार करीबन 7:45 की ये तस्वीरें हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को आज समय अनुसार भारतीय लोगों को संबोधित करना है, और ये तस्वीरें सीधे वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और काशी टू टोक्यो यानी जो बात कही जाती है उसको भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत से आए अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबों का जापान में रह रहे भारतवंशियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, अब हमारे गर्व का प्रतीक राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। आप सबों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें और इससे प्रेरणा लेकर अपने देश को गतिशील प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। राष्ट्रगान के समापन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण प्रारंभ होगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लोग सुनने के लिए यहां पर खड़े हैं, और सबसे पहले शुरुआत की जाएगी राष्ट्रगान से, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे वहां लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत हमेशा दिलचस्प होती है, क्योंकि ना सिर्फ वो लोगों से उनके बारे में जानते हैं बल्कि भारतीय समुदाय कैसे भारत की तरक्की में आगे अपनी सहायता दे सकता है, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी वो हमेशा दर्शाते हैं। और इसी बीच टोक्यो से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी सीधे वहां लोगों को संबोधित करेंगे। करीबन 7:30 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करना था जापान के समय अनुसार, और प्रधानमंत्री मोदी वहां लोगों के बीच पहुंच गए। दो दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें ना सिर्फ क्वाड के सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे, सभी उनके जो प्रमुख हैं क्वाड देशों के उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये टोक्यो से है सीधे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच है और लोगों को काफी अभिवादन भी स्वीकार करते हुए। अगर आप देखें ये लगातार वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए हैं, और भारत माता की